नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। आम जनता को ट्रैफिक के नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए युवा जागृति समिति चंदाना द्वारा करनाल बाईपास पर दो पहिया चालकों को हेलमेट वितरण करने का एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा नेता तुषार ढांडा ने किया। इस अवसर पर भाजपा नेता तुषार ढांडा ने और DSP रविंद्र सागवान ने दो पहिया चालक महिला और पुरुषों को हेलमेट पहनाए और लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करके सड़क पर अपने जीवन को सुरक्षित रखने का आह्वान किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज सड़क पर वाहन चलाने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना हर व्यक्ति की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से लगातार वृद्धि एक चिंता का विषय है। हर व्यक्ति को दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनना चाहिए और कार चलाते समय सीट बेल्ट लगानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए हेलमेट वितरित करके युवा जागृति समिति चंदाना ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और अन्य सामाजिक सेवी संस्थाओं को भी लोगों को ट्रैफिक नियमों को जागरूक करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि हर व्यक्ति ट्रैफिक के नियमों के प्रति जागरूक होगा तो सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास खबर। आगे से है ना, उम्मीद करते हैं आप हेलमेट पहन के चलो, ठीक है ना, पूरा शहर सुरक्षित रहे। बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या मानते हैं कि हेलमेट कितना जरूरी है जीवन में? बहुत जरूरी है, बट मैंने कभी डाला नहीं, आज से डाल लूंगी मैं। इधर से मैं सभी कैथल वालों से अपील करता हूं कि जीवन बहुत सुरक्षित है उसके परिवार के लिए, उसके लिए कृपा करके ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। मोटरसाइकिल पे चले तो हेलमेट पहन के चले, गाड़ी में चले तो सीट बेल्ट लगा के गाड़ी स्पीड लिमिट होनी चाहिए, मोबाइल का फ़ोन नहीं करना चाहिए, रेड लाइट जंप नहीं करनी चाहिए और रूल का फॉलो करने चाहिए। और कैथल वालों से मुझे बहुत प्यार है और ट्रैफिक का पालन कर, रूल का पालन, इनको बहुत बहुत बधाई। और बाकी संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए और खुद तो लोगों ने अपने घर से ही, जैसे हम आते हैं तो ये घर में किसी को आते हैं तो पानी भी नहीं पीगे, ऐसे जागरूक होना चाहिए कि भाई मैं चलूँगा तो हेलमेट पहन के चलूँगा, चलूँगा तो सीट बेल्ट लगा के चलूँगा और ट्रैफिक को रूल पाले। ये युवा जागृति समिति चंदाना समय समय पर जनसेवा के कई प्रोग्राम करती रहती है और पिछले कई दिनों से युवा जागृति समिति के मन में एक इच्छा थी कि क्यों ना रोड सेफ्टी के अंतर्गत हमें हेलमेट वितरण समारोह का प्रोग्राम करना चाहिए। तो जयवीर जी से संपर्क किया, इन्होंने समिति को आश्वस्त किया कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और आप इसको करो। इसलिए और इसका दूसरा मकसद समिति का ये भी था, जो मैडम कमलेश ढांडा जी राज्य मंत्री बनी है, इस खुशी में भी भाई इसको हम वितरित कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं? देखिए, आज के ज़माने में हेलमेट की, आपने फेसबुक पे व्हाट्सएप वगैरह में देखिए, हेलमेट की वजह से उसका जो जीवन इतना मूल्यवान है वो एक हेलमेट की वजह से, मतलब बार बार हम देखते हैं वो बच जाता है। तो हेलमेट तो आज के जीवन में बहुत ज़रूरी है और हम युवा जागृति समिति की तरफ से भी खासकर युवाओं से आह्वान करेंगे कि जो हेलमेट ये जरूरतमंदों को दिया गया है इसका उपयोग जो है ज़रूर करें। ऐसा नहीं है इसको पीछे टांग के ही एक लटकाना कोई महत्व नहीं रखता, इसको लगाएंगे तो इसका युवा जागृति समिति का जो है प्रयास ये सफल होगा। जीवन बहुत अनमोल है और यातायात के नियमों का पालन करके हम अपना जीवन भी और औरों का भी सुरक्षित बना सकते हैं। जब भी दुर्घटनाएं होती हैं, चालक की लापरवाही के कारण, नशे के कारण, जल्दबाजी के कारण या पॉजिटिव ना सोचने के कारण के ऐसा करने से क्या हो सकता है, उन्हीं के कारण ये दुर्घटनाएं होती हैं। और युवा जागृति समिति ने जो हेलमेट देने का कार्य किया है ये एक प्रेरणा का कार्य है। सभी इस तरह का प्रेरणा लेकर के हेलमेट पहनने के लिए हर रोज़ सफ़र करें, जब भी सबसे पहले हेलमेट पहनें। हम खुद अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, चाहे हम दो सवारी हैं, हेलमेट लगा करके जाते हैं सिर्फ इस प्रेरणा के लिए
कि लोगों को प्रेरणा मिले कि दो सवारी बैठे हैं ये भी हेलमेट लगा करके जाते हैं। और आज हमने उन लोगों के लिए भी पारितोषिक देने का विचार किया है जो हेलमेट लगा करके चलते हैं, उनके लिए 3 दर्जन पेन आज वितरित किए जाएंगे। एक छोटा सा पारितोषिक है लेकिन एक प्रेरणा है कि जो हेलमेट लगा करके जाते हैं उन्हें भी आने वाले समय में और बढ़िया तरीके से सम्मानित किया जाएगा। संस्था ने किया है, ये जितनी संस्था है उनके लिए भी एक आगे बढ़ने का कदम है। और एक जो युवाओं के जो 18 से 35 साल के युवा ज़्यादा मौत का शिकार हो जाते हैं, उनकी माताएं बहनें अपने घर उनकी बाट देखती रहती है, ये एक प्रेरणादायक है जो इस जागृति मंच ने और हमारे पुलिस स्टाफ ने जो एक संदेश दिया है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संदेश है। और मेरा युवाओं से आह्वान है कि हेलमेट और अपने कागज जरूर लेके आए, ताकि जो भी स्टाफ है उनसे भी जब कहते हैं कि हमारा चलान हो गया या हमारी जान चली गई हमें, तो उनको दोषी ठहराया जाता है। वह दोषी नहीं है, दोषी हम खुद हैं जो अपना सामान लेके अपनी हेलमेट लेके नहीं जाते, तो उसको हम खुद दोषी हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आज इस युवा जागृति समिति चंदाने की ओर से युवा जागृति के साथ साथ सुरक्षा को आज अपना संकल्प बनाया है। इस संकल्प के अंदर इन्होंने हमारी युवा जागृति समिति चंदाना की ओर से ये जो हेलमेट वितरण एक समारोह रखा है, सबसे बड़ी बात है कि आज के युवाओं के अंदर ये जागृति होनी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात, ये हेलमेट वितरण के साथ साथ सुरक्षा का जो कार्यक्रम है कि सुरक्षात्मक तरीके से हम चलें, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हम साथ में रखें, और जो हेलमेट लेकर के आ रहे हैं हमारी समिति आज उनको एक एक पेन से भी सम्मानित कर रही है। तो ये दोनों ही परिदृश्य हैं जो सुरक्षा के साथ साथ क्या है, उत्साहवर्धन भी है कि आप लोग सुरक्षा के प्रति कितने जागृत हैं। तो हमारी जागृति समिति की ओर से ये जो कार्यक्रम रखा गया है, हम आदरणीय हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, हेलमेट का जरूर प्रयोग करना चाहिए और अपने मोटरसाइकिल के कागज भी जरूर रखने चाहिए, ताकि चलान होने से बचा जा सके और दुर्घटनाओं से भी बचा जा सके।